पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यही कहना है कि फेक न्यूज पर रोक लगनी चाहिए, हालांकि उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज और लोकतंत्र में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। हुड्डा ने रविवार को रोहतक में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मनीष ग्रोवर को मानहानि का नोटिस दिए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जवाब देने के लिए समय दिया है, अगर जवाब नहीं दिया गया तो 50 करोड़ रुपए मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि बिना आधार के किसी पर झूठे आरोप लगाना गलत बात है। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ रोहतक से दीपक खोकर की रिपोर्ट। ये इसमें कोई दो राय नहीं, फेक न्यूज किसी किस्म की भी हो वो झूठी खबरें नहीं चलनी चाहिए, तो इसकी जांच करनी चाहिए, जांच करके के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो जो इस किस्म चल रही है समाज में और प्रजातंत्र में जात पात का कोई स्थान नहीं है, जात पात के नाम पर कभी होनी चाहिए, इस प्रकार की फेक न्यूज भी नहीं चलनी चाहिए, इससे समाज का नुकसान होता है, उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ भाई चुनाव में और इसमें जात पात की कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मान आने का मैंने नोटिस दिया है, नोटिस समय दिया है मैंने, अगर वो उसमें रिग्रेट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना दावा लगाएंगे। सर आधार क्या है नोटिस का? आधार ये किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, भाई यहाँ आगजनी हुई, इतना नुकसान हुआ जान माल का, उसके बाद प्रकाश सिंह कमेटी बैठी, प्रकाश सिंह कमेटी ने पूर्ण रूप से सरकार को दोषी ठहराया, वो कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी मेरा नाम लेते हैं, तो ये बिना आधार के बात करनी, झूठ बात करनी, तो इस बात का मैंने कहा, पहले मैंने कहा चलो कोई बात नहीं एक आध बार कह देता है, नहीं ये झूठी बात करनी, ये मान आनी, मतलब जो हमारी रेपुटेशन है मेरे परिवार की, एक आज से नहीं है, कई पीढ़ियों से रेपुटेशन है, हम सारे सबके लिए लड़ते रहे, ये इन झगड़ों में कभी नहीं पड़े। जात पात से ऊपर होगा पॉलिटिशियन? हाँ, जात पात से ऊपर होगा, हमने राजनीति करी है, और ये इस किस्म का जो इन्होंने किया है तो ये हमारी उस प्रतिष्ठा पे ठेस लगाने वाला काम किया है, इस वास्ते मैंने उनको नोटिस दिया। या तो कोई ऐसा हो, अब तक है क्या प्रकाश सिंह कमेटी में इनका नाम आया, सरकार का नाम आया जिसके वो मंत्री हैं, कोई अगर किसी के पास सामान पकड़ा है तो इनके PSU के पास पकड़ा है, हमारे से क्या वास्ता उसका? मैं ऐसे काम तो ये घिनौना काम इन्होंने घिनौना बयान दिया है, उसके खिलाफ मैंने जो डाली है, कचहरी में जवाब दे देंगे, नोटिस भी दूंगा, नोटिस दे रखा है, मान आने का दावा भी करूंगा, और सिंबॉलिक तौर पे वैसे तो जो क्वांटम इतनी मान आने के अफसर किए हैं उसका तो कोई तोल नहीं हो सकता है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर 50 करोड़ का दावा डालूंगा।